दोस्तों, सुपरटेक कंपनी 1988 में बनी। आरके अरोड़ा जी इसके संस्थापक थे। एनसीआर में इसका मुख्यालय था। आरके अरोड़ा जी एक स्मॉल टाइम ब्रोकर थे जो रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी खरीदते और बेचते थे। सन 2007 आते आते जो है आरके अरोड़ा जी की कंपनी का टॉप लाइन 218 करोड़ रुपए और 2012-13 आते आते जब रियल एस्टेट का बूम था उस समय उनकी कंपनी का टॉप लाइन 1874 करोड़ रुपीज हो गया। आज की डेट में सुपरटेक के पास 542 करोड़ का कैश रिजर्व है और लगभग 3200 करोड़ रुपए की लाइबिलिटीज हैं। इनके 40 प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन है, और उन 40 प्रोजेक्ट में 75 मिलियन स्क्वायर फीट जमीन पर ये कंस्ट्रक्शन करवा रहे हैं, जिसकी कुल कीमत इस समय 14,000 करोड़ रुपए है, 14,000 करोड़ रुपीज। इन्होंने जो है कुछ एजुकेशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए। उत्तराखंड में एक यूनिवर्सिटी बनाई है इन्होंने, जिसमें 750 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा सुपरटेक की जो वेबसाइट कहती है, ये इन्होंने जो है रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किए, कंस्ट्रक्शन किए। रेडिशन ब्लू नाम का जो ब्रांड है उसमें आपको सुपरटेक का फिजिकल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। कहां कहां पर निर्माण किया, मेरठ, मुरादाबाद, हरिद्वार, रुद्रपुर और बंगलौर में भी कुछ एक प्रोजेक्ट इनके हैं। इन्होंने जो है सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट, जिस पर अभी कानूनी लड़ाई चल रही है, कानूनी लड़ाई की लाइबिलिटियां मैं मेंशन करना भूल गया, कानूनी लड़ाई भी एक लाइबिलिटी है। सुपरटेक कजार, सुपरटेक का केप टाउन, सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट की कानूनी लड़ाइयां भी हैं। तो सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट को ये अपना आइकॉनिक प्रोजेक्ट बताते हैं, जिसमें बोलते हैं कि 7-स्टार फैसिलिटीज, लिविंग फैसिलिटीज वहां पर देते हैं। एक सेक्टर 34 में सुपरटेक पवेलियन भी है, जहां का भी क्लेम है कि वहां पर भी बहुत अच्छी लाइफ स्टाइल उन्होंने दी है और अच्छी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा जो है सॉफ्टेक्स मॉल, जो जो है आपको सेक्टर 60 के आसपास देखने को मिल जाएगा नोएडा में, सॉफ्टेक्स मॉल है। रिपब्लिक क्रॉसिंग, रिपब्लिक में कई बिल्डिंग है इनकी, और हरिद्वार में एक मॉल बनाया है इन्होंने, जिसको ये पेंटागन बोलते हैं। तो ये कई इनके प्रोजेक्ट है जिनको ये अपने आइकॉनिक प्रोजेक्ट में गिनते हैं। इनकी इन्होंने जो है इंटरनेशनल होटल चेन से जो है समझौता करके 5 स्टार होटल्स जो है रुद्रपुर, हरिद्वार, मेरठ और नोएडा में लॉन्च किए। कंपनी हैज आल्सो टाइंग अप विद अ मेजर हेल्थ केयर, ओपन टू फैसिलिटी इन डिफरेंट प्रोजेक्ट। तो मेडिकल फैसिलिटी में भी आएंगे। तो देखिए कि रियल एस्टेट सेक्टर में थे, रियल एस्टेट में जो है रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, हॉस्पिटैलिटी, और अब जो है मेडिकल सेक्टर में भी आने की तैयारी है। और जो जो दिग्गज बात है वो ये है कि एजुकेशन सेक्टर में भी है। रियल एस्टेट का बड़ा व्यवसायी एजुकेशन सेक्टर में पैसे लगाए, ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि आजकल शिक्षा भी व्यवसायियों के हवाले है। तो ये सुपरटेक की कहानी थी, एक छोटे से ब्रोकर से एक जो है बेसिकली कॉन्ग्लोमरेट बन जाना, मल्टी कंपनी का मालिक बन जाना और साथ ही साथ जो है बड़ा कर्जदार बन जाना। अब रियल एस्टेट का बूम उतना बड़ा नहीं है और कानूनी लड़ाइयों के पचने में फंसने के बाद कहीं ना कहीं तमाम नुकसान होने तय हैं। हाल फिलहाल सुपरटेक ने जो है एक नया रास्ता अपनाया है फंड्स को लिक्विडेट करने का, या अपनी जमीनों को लिक्विडेट करने का। 2300 करोड़ रुपए वो जुटाएंगे अब अपनी जमीनों में, प्लाट बेचकर जमीन को बेचेंगे। तो उसमें जो कंपनी मैनेजमेंट था उसका ये कहना था कि जमीन को लिक्विडेट करना आसान है और समय कम लगता है, जो लाइफ साइकिल है वो बहुत कम है। जबकि अगर आप फ्लैट बनाते हैं तो फ्लैट का जो है ओवरऑल जो टाइम होता है बेसिकली कंस्ट्रक्शन का, अप्रूवल्स का और बेचने का, वो लाइफ साइकिल बहुत लंबी है। तो फंड आते आते टाइम लग जाता है। तो इस समय जो 3200 करोड़ रुपए का लगभग कर्ज है उन पर, वो कुछ पैसा जो है उसकी लाइबिलिटीज पे करेंगे 2300 करोड़ रुपए से, और कुछ पैसे से जो अभी सुपरटेक एमराल्ड कोर्ट में बिल्डिंग गिरनी है या जो उनके इन्वेस्टर्स को वापस करने हैं वो करेंगे। तो ऐसा प्लान अभी जो है उनके द्वारा एक प्रेस विज्ञप्ति में जारी किया गया है। ये था मसला सुपरटेक कोर्ट का, जहां एक वेल्थ है, बड़ी वेल्थ है, बड़ा कर्ज है और बड़ी कानूनी दांवपेच और उलझने भी हैं। धन्यवाद।